मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आदाब अर्ज़, अस्सलामु अलैकुम। आज लंदन वक्त के मुताबिक इस वक्त रात के तकरीबन 8:20 हो रहे हैं और आज तारीख 17 है। पाकिस्तान में तारीख 18 मार्च, यानी आज 17 मार्च है, यहां पाकिस्तान में 18 मार्च शुरू हो चुकी है, 18 मार्च 2023, यानी कल लंदन वक्त के मुताबिक और पाकिस्तान के मुताबिक आज यौम तासीस है। लिहाजा मैं सबसे पहले तमाम पाकिस्तान में रहने वाले एक एक वफा परस्त को यौम 39th एनिवर्सरी फाउंडेशन डेट ऑफ द MQM, मैं MQM के 39वें यौम तासीस के मौके पर सबको खराज तहसीन, सलाम तहसीन और मुबारकबाद पेश करता हूं। इसके अलावा तमाम ओवरसीज के यूनिटों को भी, वहां के एक एक साथी को यौम तासीस की, 39वें यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करता हूं, एक एक वफा परस्त को। और इसका कल ओवरसीज की यूनिटों में कल लंदन में MQMU के यूनिट की जानिब से मरकजी प्रोग्राम किया जा रहा है 39वें यौम तासीस के मौके पर। आप सबको, तमाम माओ बहनों बुजुर्गों, तलबा तालिबात, नौजवानों, मिलीनियल्स, बच्चे बच्चियों को 39वां यौम तासीस मुबारक हो। मैं मुख्तसरन मुबारकबाद देने के बाद इस मौके से, इस मुबारक दिन के मौके से के हवाले से, इस यौम तासीस के हवाले से के तमाम तर साजिशों के बावजूद MQM को खत्म नहीं किया जा सका। अब उसके लिए स्टेट्स हरकत में आ चुकी हैं और मेरे खिलाफ गैर कानूनी फैसले अब दिए जा रहे हैं, जो कि जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। तो इस फैसले को किसी भी हक परस्त ने तस्लीम नहीं किया है, चाहे वो कोई भी जबान बोलने वाला हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो। और इसके खिलाफ, जैसा कि आपको मालूम है, कराची हैदराबाद में अवाम ने, माओ बहनों बुजुर्गों ने मुजाहरे किए, पर उसका रिकॉर्ड तोड़ा टंडो अलेयार वालों ने। और आज नवाब शाह के बहादुर साथियों ने, माओ बहनों बुजुर्गों ने मीरपुर खास के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, मासूम बच्चे बच्चियों ने, नौजवानों ने, इन्होंने पुरअम इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करके अपने जज्बात का इजहार किया है। और टंडोला यार के शानदार प्रोग्राम के बाद के मौके पर मुबारकबाद देते हुए मैंने कहा था, अब देखते हैं टंडोला यार का रिकॉर्ड कौन तोड़ता है। तो टंडोला यार के साथियों, हाथ जोड़ के कहता हूं, माओ बहनों आप नाराज ना होइएगा, आपको तो बहुत, आप ही ने तो सबको हिम्मत दी है। तो हैदराबाद की भी अच्छी रैली थी, लेकिन टंडोला यार वालों, आपने जो एक क्षमा रोशन की ऐसी के
उसने एक चिराग रोशन कर दिए कई, और आज उसका असर यह हुआ कि सक्खर वालों ने टिंडोल अय्यर वालों का चैलेंज कबूल कर लिया, और आज सक्खर में मां ने, बहनों ने, नौजवानों ने, बच्चे बच्चियों ने, बुजुर्गों ने जिस बहादुरी हिम्मत से परम ने एहतजाजी मुजाहरा किया है, मैं तमाम लोगों को, तमाम जोनों को जिनके मैंने नाम लिए उनको, और खुसूसन सक्खर के नौजवानों को, माओं को, बहनों को, बुजुर्गों को सलाम तहसीन और अपना प्यार पेश करता हूं। सलामत रहिए, आबाद रहिए, आपको भी यौम तासीस मुबारक हो। सक्खरबाजी ले गया, शाबाश शाबाश। अब देखते हैं सक्खर का रिकॉर्ड आगे चल के कौन कौन तोड़ता है। ओवरसीज के यूनिट भी बाकी हैं अभी, वहां पे भी पुरन मुजाहरे होंगे। तमाम माओ बहनों को यौम तासीस 39वां मुबारक हो, मुबारक हो। टंडोला यार वालों, दिल छोटा मत कीजिए, आपने तो एक बड़ा दिया जलाया ऐसा कि बहुत सारे दिए रोशन हो गए। सबको महाराज यौम तासीस 39वां मुबारक हो। कितनी साजिशें कर ले, एमकेएम को खत्म नहीं किया जा सकता। अल्ताफ हुसैन को कागजों पे फैसले करके खत्म नहीं किया जा सकता। अल्ताफ हुसैन लोगों के दिलों में रहता है, बसा हुआ है, बसा हुआ है लोगों के दिलों में। अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन बसा हुआ है। इजाजत चाहता हूं, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।